Hacettin Doyan. Ne kadar büyük olduğunu anlayacaksın. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाक टीवी में आप सबको खुशामदीद। बाइंदर बेकार अली और ताजुद्दीन नोयान का खात्मा। प्यारे दोस्तों, किस्त नंबर 149 के ट्रेलर में आपने देखा कि रोम की जल्लाद के हाथों बाइंदर बे और कार अली की मौत होती है, जबकि दूसरी तरफ हमने उस्मान को ताजुद्दीन नोयान का सरकलम करते देखा। बाइंदर बे और कार अली दोनों कैसे रोम की जल्लाद के हत्थे चढ़ गई, इसके अलावा किया ये दोनों तारीखी किरदार थे या नहीं, और साथ ही साथ मेहमद बुज़दाक ने किस तरह से तारीख की दजिया उड़ाई, तो इन तमाम मौजूदात पर आज हम बात करने वाले हैं। मगर सबसे पहले बात करते हैं ताजुद्दीन नोयान की। तो जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा कि उस्मान ने ताजुद्दीन नोयान का सर कलम किया, और हैरानी की बात यह है कि उस्मान के साथ मेहमद बे भी मौजूद होता है। उस्मान बे ने मेहमद बे के हमरा ताजुद्दीन नोयान की कारगाह पर हमला किया है, जिसके नतीजे में शायद किस्त नंबर 149 में ताजुद्दीन नोयान का खात्मा हो जाएगा। दूसरी तरफ बाइंदर बे और कार अली की मौत, जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा कि बाइंदर बे और कार अली रोम की जल्लाद की हत्थे चढ़ गई है, और अब बहुत से लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दोनों कैसी रोम की जल्लाद की हत्थे चढ़ गई। तो आपको बताता चलूं कि अगर आपको याद हो कि उस्मान ने बजंतीनियों पर टैक्स मुकर्रर किया था, और फिर बजंतीनी उस्मान को टैक्स देते थे, लेकिन रोम की जल्लाद के आने के बाद उसने उन तमाम बजंतीनी गवर्नरों को कत्ल किया जो उस्मान को टैक्स देते थे। लेकिन उस्मान को अभी तक ये मालूम नहीं है कि रोम की जल्लाद की एंट्री हुई है, और बजंतीनियों की तरफ से अभी तक उस्मान को सोना मौसूल नहीं हुआ। तो शायद उस्मान बे ने बाइंदर बे और कार अली को बजंतीनियों से टैक्स लेने के लिए भेजा होगा। जब ये दोनों टैक्स लेने बजंतीनी कला में दाखिल होती है, तो इनका सामना रोम की जल्लाद के साथ होता है, और रोम की जल्लाद इन दोनों को देखती ही इन पर हमला कर देती है, और सबसे पहले कार अली को मार देता है। लेकिन रोम की जल्लाद की जानिब से जिस तरह की वार इन दोनों पर की गई है, तो मुझे नहीं लगता कि शायद ये दोनों बच पाएंगे। और अगर ये दोनों मर जाते हैं, तो फिर मेहमद बुज़दाक की जानिब से तारीख के साथ ये बहुत बड़ा जुल्म होगा, क्योंकि तारीखी लिहाज से कार अली और बाइंदर बे दोनों तारीखी किरदार है, और इनका खात्मा इतना जल्द नहीं हो सकता।